भिखारी ठाकुर, विषय कुछ और था, शहर कोई और, पर मुड़ गई बात भिखारी ठाकुर की ओर। और वहां सब हैरान थे यह जानकर कि पीते नहीं थे वे, क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे और खेलते थे मंच पर वे सारे खेल जिन्हें हवा खेलती है पानी से या जीवन खेलता है मृत्यु के साथ। इस तरह सरजू के कछार सा एक सपाट चेहरा नाचते हुए बन जाता था, कभी घोर पियक्कड़, कभी वर की खामोशी, कभी घोड़े की हिनहिनाहट, कभी पृथ्वी का सबसे सुंदर मूर्ख। और ये सारे चेहरे सच थे, क्योंकि सारे चेहरे हंसते थे एक गहरी यातना में अपने मुखौटे के खिलाफ। और महात्मा गांधी आकर लौट गए थे चंपारण से, और चौरी चौरा की आंच पर खेतों में पकने लगी थी जौ गेहूं की बालियां। पर क्या विश्वास करेंगे, एक रात जब किसी खलिहान में चल रहा था भिखारी ठाकुर का नाच, तो दर्शकों के पांत में एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसके शक्ल बेहद मिलती थी महात्मा गांधी से। इस तरह एक सांस से दूसरे भोर तक, कभी किसी बाजार के मोड़ पर, कभी किसी उत्सव के बीच की खाली जगह में, अनवरत चलता रहा वह अचक बेचैन सा चीख भरा नाच, जिसका आज़ादी के लड़ाई में कोई जिक्र नहीं। पर मेरा ख्याल है चर्चिल को सब पता था, शायद यह भी कि रात के तीसरे पहर जब किसी झुरमुट में ठनकता था गेहूं, तो नाच के किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे उठती थी एक लंबी और अकेली भिखारी ठाकुर की आवाज़, और ताल के जल की तरह हिलने लगती थी बोली की सारी सोई हुई क्रियाएं। और अब यह बहस तो चलती ही रहेगी कि नाच का आज़ादी से रिश्ता क्या है, और अपने राष्ट्रगान के लय में वह ऐसा क्या है जहां रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय।